नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, आई एम एसन गोड़, इज वर्किंग दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट एज लेक्चरर। मैं दिल्ली शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद पर, प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही स्टिक और सही जानकारी, एक तो जो HSSCD ग्रुप का पोर्टल है उसके बारे में जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करूंगा, और बाकी जितने भी सी ग्रुप के हैं, 56-57 हैं, या फिर TGT है, LM है, स्टाफ नर्स है, तो ये जितने भी प्रकार के एग्जाम हुए हैं इनका कब परिणाम आएगा, ठीक है। साथ ही जो HSSCD ग्रुप का परिणाम कब आएगा, पोर्टल के बाद में कौन सा स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट आपको संपूर्ण जानकारी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले देखो, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा 8 से 10 मिनट, लेकिन आप सभी साथी मेरे साथ बने रहना, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो देखो, जो पोर्टल खुला हुआ है, पोर्टल में आपके जो जो डाउट्स हैं वो मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। सबसे पहला काम तो यह है कि यदि पोर्टल में आपके माता पिता का नाम या आपका नाम यदि गलत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आधार कार्ड में क्या नाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है केवल वही नाम उसमें होने चाहिए, ठीक है। केवल नाम गलत होने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित मत होना। तो पहला पॉइंट तो यही है कि उसमें नाम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है केवल वो नाम होने चाहिए, और यदि वो ना भी भरे गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा या रद्द हो जाएगा। कई साथी कहते हैं कि ये यस करना है, ये नाम गलत नहीं होना चाहिए, फिर तो ये बिल्कुल माइनर मिस्टेक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर दो, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है तो कैटेगरी के साथ आप छेड़खानी मत करना। देखो, कई सोचे भाई जर्नल वाला EWS में भर दे, EWS वाला जर्नल में भर दे, तो ऐसा कुछ नहीं करना। जो आपने मेंशन कर रखा है केवल वही कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले बच्चे हैं तो फिजिकल हैंडीकैप्ट में वो सोचते हैं कि हम OH भरे या VH भरे, तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि OH है या VH है, जो डॉक्टर ने आपको सर्टिफिकेट बना के दे रखी है, जो आपने मेंशन कर रखी है वो ही रहने देना उसको, ये नहीं कि बाद में हमने ये चेंज करवा ली वो भर दिया। तो एक ये भी ध्यान रखना फिजिकल जो हैंडीकैप्ट बच्चे हैं। उसके बाद चौथा है कि जैसे किसी का अप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया, यदि अप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया तो जो आपका CET का प्री का जो स्कोर कार्ड है उसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं, जिसका भी गुम हो गया। वैसे तो खरी ये लापरवाही है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म ही गुम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी अपरिहार्य कारणों से यदि वो गायब हो गया तो आप स्कोर कार्ड से, CET के स्कोर कार्ड से वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। पांचवी जो बात है, जो डोमोसाइल है, जो डोमोसाइल के बारे में मैं बताता हूँ। डोमोसाइल भाई आप बनवा रहे हैं, कौन सी लगानी है, तो डोमोसाइल आप किसी भी साल की लगा सकते हो, 2020 की, 19 की, 21 की, 22 की। तो मैंने बताया इन चीजों से आपका जो सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सिलेक्शन 100% होना है आपका यदि आप इलिजिबल हो तो। डोमोसाइल आप कोई भी उसमें लगा सकते हो, 2020 की, 19 की, 21 की। उसके बाद EWS कौन सा लगाना है, तो EWS भी आप कोई भी लगा सकते हो, 2019, 20, 21 कोई भी लगा सकते हो। तो इनसे कोई भी आपका वो थोड़ी सिलेक्शन रुक जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि पांच नंबर की। देखो, पांच नंबर का मामला चूंकि थोड़ा सा ये कह सकते हैं बड़ा कठिन सा है, ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि ये जो पांच नंबर मिलेंगे एक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो चलो कोई अपने अपने समझ से सब बताते हैं। पांच नंबर का जो मामला है वो लगभग आज उसका फैसला हो जाएगा, 99% उसका फैसला हो जाएगा। क्योंकि कोई साथी कुछ बता रहा है, मैंने भी ये बताया है कि मैं भी रिजल्ट डी ग्रुप का, जो HSSC डी ग्रुप का 95 में से निकलेगा, पर जरूर नहीं कि ये 100% सत्य है,
हो सकता है आज फाइनल हो जाए, जो जिसको वास्तव में मिलने चाहिए, जिसकी जो बेचारे की रिक्वायरमेंट है, जिसकी घर की जो आमदनी है वो 180 से कम है, तो उसको तो मिलने ही चाहिए। पर मिलेंगे या ना मिलेंगे वो आज पता लग जाएगा। वैसे मैं बताता हूँ 99% इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल वर्तमान में ये थोड़ा सा डिले इसलिए चल रहा है, थोड़ा विलंब इसलिए चल रहा है कि उसका बजट भी आने वाला है, ठीक है, विधानसभा का सत्र चला हुआ है, तो इससे थोड़ा सा ये विलंब से है। बाकी आज इसकी डेट है, क्योंकि जितनी भी भर्ती COD की भर्ती है, TGT की भर्ती, और भी जो जितनी भी भर्ती है वो सभी इस 5 नंबर पे ही रुकी हुई है। तो आज 28 तारीख को इसका फैसला आएगा 99%। तो मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 5 नंबर मिलने चाहिए, बाकी तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये 5 नंबर का हो गया। अब मैं पॉइंट उठाता हूं। सबसे पहले देखो, पोर्टल वाला तो आपका ये डाउट ही क्लियर कर दिया मैंने, कोई भी मिस्टेक हो गई। हाँ, एक बात और कि HSSC जो डी ग्रुप के बच्चे हैं इनकी यदि वहां पोर्टल में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनकी जो भी है वो एकदम क्लियर है, तो उनको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी पोर्टल के साथ, ठीक है। जनरल कैटेगरी का यदि बच्चा है, उसकी सारी चीजें सही है, तो उसको कुछ नहीं करना। यस नो, एक यस नो वाला ये जो फीचर है, यस नो वाली, ये पता है, ये यस नो ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, करो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जिसकी जानकारी सही है, उसको जिसकी सारी कंडीशन सही है, तो उसको तो कुछ नहीं करना है। और यस नो ये जो फीचर है, ये एक्स्ट्रा जुड़ गई थी, ये HSSC का नोटिस भी आया था, मैंने पढ़ा था। तो यस नो कोई मायने नहीं रखता। जब 1 मार्च 2024 को जब DV के लिए HSSC डी ग्रुप में जो 56,000 शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, उनसे स्पेशल बनवाया जाएगा कि आप डी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल जो वर्तमान में पोर्टल है उसमें यदि नहीं यस नो इंडिकेट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो करना भी नहीं है, ठीक है। डीवी के जो 56,000 जो कैंडिडेट हैं, जो डीवी में आएंगे, उनको स्पेशल बनना पड़ेगा, उनको इंडिकेट करना पड़ेगा कि वो डी ग्रुप में जाना चाहते हैं या नहीं, और वो कन्फर्म 1 तारीख को ये जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट की लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है, वो 100% आ जाएगी, ठीक है। 1 तारीख शाम तक या 2 को तो 1000% यानी है। ये सारा प्रोसीजर मैं बताता हूं, पहले फिलहाल कम टू द पॉइंट चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 56,000 के। 56,000 जो सी ग्रुप है, इसका रिजल्ट आज शाम आपको देखने को मिल सकता है, मे बी इट इज पॉसिबल। इसमें थोड़ा सा 56 में दिक्कत चल रही है, वो जो 41-41 जो क्वेश्चन थे वो रिपीट हुए थे ना, इसलिए ये 56 का मामला हो सकता है संदेह में हो, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि 56-57 दोनों ही रिजल्ट निकाले जाएंगे, क्योंकि समय इनके पास कम है। तो 56 का यदि कैंसिल करके दोबारा एग्जाम करवाते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें समय और जाया होता है। तो 56 का अब 41 जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ये एक ऐसा वो बनाएंगे, कोई ऐसा मिड बनाएंगे, बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि बच्चों के साथ न्याय हो। तो ये 56-57 का, ये जो आज 5 नंबर का जो मामला, आज 99% इसका फैसला हो जाएगा। फैसला होते ही ये रिजल्ट तैयार है। अब इन्होंने कैसे बना रखा है, ये 41 क्वेश्चनों का कैसे कुछ बना रखा है, ठीक है, तो ये रिजल्ट में भी आज इट इज पॉसिबल। दूसरी बात, TGT के जो 7471 जो पद हैं, ये भी इसी पे अटका हुआ है 5 नंबर पे। आज यदि 5 नंबर का फैसला होता है तो ये तुरंत प्रभाव से ये रिजल्ट बिल्कुल आउट हो जाएगा, या तो 5 विदाउट 5 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स। तो ये भी इसी पे रिलेटेड है। तीसरा जो है LM का बिल्कुल रिजल्ट आज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद VLDA का रिजल्ट भी आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक से पहले तो ये सारे रिजल्ट आने, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। फायर ऑपरेटर का पता है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन लगभग हो लिया, कि भाई जैसे ये जो डिप्लोमा होता है, ये डिप्लोमा यही इस पे केस था
कि भाई ये फर्जी है, बच्चों ने पैसों में खरीद खरीद के, तो उसका है ना पूरा ये हो लिया, उसका डिप्लोमा की जांच हो चुकी है, तो ये भी मे बी आज कल 1 तारीख से पहले पहले इसका रिजल्ट पॉसिबल है। उसके बाद जो जेई सिविल सिविल है, इसका रिजल्ट भी मे बी 1 से पहले पहले आएगा। स्टाफ नर्स है उसका भी, तो इनको लगभग 1 तारीख को ज्वाइन करवाएंगे। और उसके बाद जो HSSC का जो डी ग्रुप का है, अब मैं आपको डी ग्रुप की थोड़ी सी बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको। देखो इसमें क्या हो रहा है, HSSC का जो डी ग्रुप है, इसमें जो वर्तमान में पोर्टल है वो आज शाम तक 5 बजे तक का समय है, हो सकता है एक आदमी भट भी जाए। उसमें मैंने आपको बता दिया जो भी डाउट थे वो आपके क्लियर कर दिए। अब 1 मार्च को मे बी कह सकते हैं आप 99% या 100% ही कह दो कि ये शॉर्ट लिस्टेड के जो कैंडिडेट हैं 56,000 हैं, इनकी डीवी के लिए ये लिस्ट निकालेंगे, इसमें यस नो भरवाएंगे, डी ग्रुप आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हैं, ये मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है। उसके बाद में क्या करेंगे कि ये दोबारा फिर पोर्टल खोलेंगे, उस पोर्टल में भरवाएंगे ये सारी चीजें, और 1 तारीख को खोलने के बाद आपको समय दिया जाएगा लगभग 7 दिन का। उसके बाद जो 7 मार्च है, 7 मार्च को आपका डी ग्रुप का परिणाम घोषित हो जाएगा, और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी है मेडिकल मेडिकल है, तो उसके बाद ये 10 मार्च तक आप ज्वाइन करवा देंगे। ये है बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो HSSC डी ग्रुप की जो कट ऑफ है, ये तो सभी ने बता दिया, आपने सबकी 10-10 बार देख ली, मैंने 2-3 बार बता दी, अभी 3-4 दिन पहले बताई थी, मैं कट ऑफ कुट ऑफ का कोई जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं आपको बताता हूं कि जो 56,000 जो कैंडिडेट है जो लिस्ट वो निकालेंगे, तो उसमें मैंने बताया था बहुत डाउन जाएगी इसकी कट ऑफ, चाहे कोई कुछ भी बताए, है ना, चाहे बताए कोई कुछ भी, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि अब 56,000 में से सीधी सी बात है जो टेक्निकल के निकल गए 12,100, तो वो ही बच्चे निकल गए, इसमें से 34-71 ये निकल जाएंगे, उसमें से 12,116 में हो सकता है 56 जो ग्रुप है वो डिले हो जाए, तो उसमें और 5,000 कम कर लो, इसको 7,000 कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में भी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली ड्राइवर है, और भी बतेरे एग्जाम हुए हैं बहुत से, हरियाणा पुलिस की कट ऑफ भी आई है 1200 की, तो इस तरह इस 56,000 में मिनिमम मिले 20,000 कैंडिडेट बचेंगे, ये सारे निकल जाएंगे इसमें से, बहुत कम जाएगी, बहुत कम, रेयर। मैं तो यही कहूंगा कि 60+ वाले है ना सिलेक्ट हो जाएंगे टीम, और कट ऑफ मैंने बताई रखी है बार बार, वो चीजें बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। तो 20,000 में से कितने हैं इसके डी ग्रुप के, 15,000 पद है, तो अब देखो ये 5,000 बच्चे निकल रहे, ये 5,000 बच्चे कौन से निकलेंगे, यानी कि 60 से नीचे वाले निकलेंगे। इसमें पिछली वीडियो में कई साथियों ने कहा था कि फिजिकल हैंडीकैप्ड की नहीं बताई आपने एससी की ढंग से, तो एससी वाला है ना, एससी वाला 55 पे ही सिलेक्ट है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के तो बच्चे नहीं है, 45+ वाले सारे लग जाएंगे, 45 से जो भी आप होंगे सारे लग जाएंगे। देखो मैं आपको बहुत अध्ययन करके और आपके लिए वीडियो में मेहनत करता हूँ, ये बनाता हूँ, तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, मुझे लाइक करोगे, तो मेरा और मन बढ़ेगा, और मैं मेहनत करूँगा आपके लिए बहुत, और अच्छी अच्छी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो सही और स्टिक इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। यदि आप मुझे लाइक नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ मैं उससे दूर चला जाऊँगा। यदि वास्तव में मैं आपको मेहनत करके बताता हूँ, देखो हर चीज़ स्वार्थ से जुड़ी हुई है, मुझे भी ये स्वार्थ है कि भाई मेरा चैनल अच्छा चले, लोग मुझे लाइक करें, मैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बहुत जानकारी आपको दूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि यदि मैं सही बताता हूँ, वास्तव में आपको सही लगती है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सही दिशा में प्रयास करें, लगातार निरंतर और नियमित रूप से प्रयास करें। वो कहते हैं ना कि जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले तो केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। पूरी मेहनत, परिश्रम, लगन, निष्ठा, कठोर साधना से सही दिशा में प्रयास करते रहो, सफलता तो सुनिश्चित है। 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो,
टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। धन्यवाद।